तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 15,000 के बजट रेंज में आने वाले पांच बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स के बारे में। सैमसंग जो स्मार्टफोन कंपनी ने वो अपने बहुत ही अच्छे डिस्प्ले की क्वालिटी के साथ साथ अच्छे यूजर एक्सपीरियंस, सैमसंग के नॉस सिक्योरिटी और टॉप नॉस लेवल के कैमरे की क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो अगर आप 10-12 हज़ार से 15,000 के बजट में कंफ्यूज है कौन से सैमसंग स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको पांच बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर सारे के सारे ही आपको 5G प्रोसेसर के साथ आते हुए देखने को मिल जाएंगे। पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो था सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M13 5G। तो दोस्तों अगर आपका बजट 10-11 हज़ार के आसपास है और इस बजट में आपको कोई सा एक बेस्ट सैमसंग का 5G स्मार्टफोन चाहिए तो M13 5G को आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ वाली PLS LCD पैनल मिलती है जो की 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, 3.5mm का फोन जैक है। यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 15 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको फुल HD तक की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ सैमसंग की नॉर्मल सिक्योरिटी मिल जाती है, 2 साल तक के मेजर OS अपडेट्स दिए गए हैं। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 4+64GB रोम वाला वेरियंट आपको करंटली मिल जाएगा 10,999 रुपीज में। नॉर्मली ये स्मार्टफोन आपको 12,000 के बजट में मिल जाता है। उसके बाद लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो था सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F14 5G। तो दोस्तों अगर आपका बजट रेंज अभी के टाइम पे 11-12 हज़ार के आसपास है और इस बजट में आपको कोई सा एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आपको अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाए तो गैलेक्सी F14 5G को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD+ वाली इनसेल IPS LCD पैनल मिलने वाली है जो की एक इन्फिनिटी वी वाली डिस्प्ले है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दिया गया है। बात कर लेते प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1330 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आता है, वन यूआई कोर 5.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 6000mAh की एक बिग बैटरी मिलेगी जो की 25W के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 साल तक के मेजर OS अपडेट्स मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट पे आता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 4+128GB रोम वाला वेरिएंट आपको करंटली मिल जाता है 11,490 रुपीज में। ये जो प्राइसिंग है ये स्मार्टफोन की सेल प्राइसिंग है। नॉर्मली ये स्मार्टफोन आपको 12-13 हज़ार के बजट में मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F23। तो दोस्तों अगर आपको 15,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो गैलेक्सी F23 5G एक अच्छी चॉइस है। थोड़ा सा पुराना है पर स्टिल इस स्मार्टफोन को कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली TFT पैनल मिलने वाली है जो कि एक इन्फिनिटी यू वाली पैनल है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, कोर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5mm का फोन जैक दिया गया है। यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 750G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है। बजट के अकॉर्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, वन यूआई 4.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट मिलता है, सैमसंग के नॉस सिक्योरिटी है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो करंटली स्मार्टफोन का 4+128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 14,499 रुपीज में। ये जो प्राइसिंग है सेल प्राइसिंग है, नॉर्मली स्मार्टफोन आपको 15,500 रुपीज में मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M14 5G। तो दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 के अंडर है और इस बजट में आपको कोई सा बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो गैलेक्सी M14 5G आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। बाकी क्योंकि अभी सेल भी चल रही है तो इसकी जो प्राइस है वो रिवील हो गई है और ये स्मार्टफोन आपको अंडर 13,000 के बजट में मिलने वाला है जो कि एक बहुत ही सही डील है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की तो 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल मिलेगी जो कि एक इन्फिनिटी वी वाली डिस्प्ले है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 3.5mm का फोन जैक मिलेगा। यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1330 वाला प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आता है, वन यूआई कोर 5.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 6000mAh की बैटरी है जो कि 25 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बात करें कैमरे की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50
40 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर है। फ्रंट में भी आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी जूटर मिलेगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक के वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और प्रो मोड जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं, 2 साल तक के मेजर ओएस अपडेट्स मिल जाएंगे। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 4+128GB रोम वाला वेरियंट आपको मिलने वाला है 12,990 रुपीज में। प्राइसिंग अभी के टाइम पे सेल के कारण कम हो चुकी है, अगर आप इंक्लूडिंग बैंक ऑफर परचेस करते हैं तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी नॉर्मली ये स्मार्टफोन आपको 14999 में मिलता है। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वह था सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M34 5G। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो अपने बजट रेंज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो 16-17 हजार के बजट में आपको गैलेक्सी M34 देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे कैमरे की क्वालिटी है, OIS का सपोर्ट है, इवन आप 4K तक की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास बैंक ऑफर अवेलेबल है या फिर आप थोड़ा सा अपने बजट को बढ़ा सकते हैं तो अभी के टाइम पे सेल में ये स्मार्टफोन आपको 16 से 16,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा और उस बजट में आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की तो 6.5 इंच की फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 1000 nits की पिक ब्राइटनेस है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1280 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि 5nm के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आता है, वन UI 5.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 साल तक के मेजर OS अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म यूज करने की सोच रहे तो भी बहुत ही अच्छी चॉइस है। 6000mAh की बैटरी मिलेगी, 25W का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, OIS का सपोर्ट मिलता है, दूसरा कैमरा 8MP का और तीसरा कैमरा 2MP का है। फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी जूटर मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको ऑब्जेक्ट इरेजर, बैकग्राउंड ब्लर और फोटो मास्टर जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिलते हैं। उसके साथ साथ 4K तक की वीडियोस आप 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा, सैमसंग के 900 सिक्योरिटी है, गेम बूस्टर मोड दिया गया है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 6+128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 16,499 रुपीज में। तो दोस्तों अगर आप अपने बजट रेंज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बाकी अगर आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हैं तो आपको फ्लिपकार्ट की BBD सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल में परचेस करना चाहिए, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे बैंक ऑफर्स के साथ साथ अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आप सेल वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन जो कि आपको अभी के टाइम पे 15,000 के आसपास मिलने वाले हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और बजट के अकॉर्डिंग किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।